आप जाके बता दो ना। भूमि बाद में बता दूं। आज ही बता दो ना भाई। पापा वो आपसे कुछ बात करनी थी। अभी नहीं, अभी हम जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, शाम में तुम्हारे साथ बात करेंगे। सुंदरा जी आप पधारिए, पधारिए, धन भाग हमारे, पधारिए। देखिए राजेंद्र जी, भूमि को बहुत अच्छा मौका मिला है और जब इतनी अच्छी एजुकेशन देने के बाद जब उसे अपनी डिग्री का फायदा मिल रहा है तो आप उसे क्यों रोक रहे हैं? क्या डिग्री सिर्फ दीवार पर फ्रेम करके टांगने के लिए दिलाई है? नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप तो जानती है कि हमने कभी भूमि को घर के बाहर अकेले जाने नहीं दिया, तो ऐसे किसी दूसरे शहर में हम उसे अकेले रहने के लिए कैसे भेज दें? अनजान शहर होगा, अजनबी लोग होंगे, पता नहीं वहां का माहौल कैसा होगा, लोग कैसे होंगे, चिंता तो लगी रहेगी ना। हाँ तो ठीक है ना, मैं आज ही इंदौर जा रही हूँ एचआर से मिलने, तो आप एक काम कीजिए मेरे साथ चले चलिए, वहाँ का माहौल देख लीजिए, लोगों से मिल लीजिए और फिर सब कुछ जान पहचान करने के बाद ही कोई तसल्ली कीजिएगा। पर प्लीज जल्दबाजी में बिना जाने परखे कोई भी फैसला मत लीजिएगा। आप अचानक अगर बता देते आपके स्वागत के लिए जरा तैयारी कर लेते। वो कहा है ना कि ब्याह के बाद घर जरा बिखरा पड़ा है। और क्या क्या समेटेंगी शांति जी, बहुत कुछ बिखर चुका है। ए? वैसे घर के बाकी लोग कहाँ हैं? रजिंदर जी, विजेंदर जी, जरा बुलाइए उन्हें, हमें जरूरी बात करनी है।